तो हेलो गाइस, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। तो आज मैं आई हूँ हॉस्पिटल और आज शायद मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है। कंफर्म तो नहीं है लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि शायद आज ऑपरेशन हो सकता है, तो ब्लॉग पे बने रहिए। तो आज सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए थे घर से क्योंकि ऑपरेशन शायद हो सकता है ऐसा बताया था। और भाभी के भैया भी आए हुए हैं। हम लोग सभी लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, पापा जी, मैं और मम्मी, सभी लोग। तो अभी मम्मी को सलाइन चढ़ाया जा रहा है तो हम लोग भी बस वहीं पे वेट कर रहे हैं बात करते हुए। सलाइन चढ़ाने के बाद कंफर्म कर दिया गया कि आज ऑपरेशन आज ही होने वाला है। तो अभी नर्स और नन लोग आके यहाँ पर मतलब मम्मी का ड्रेस चेंज कर रहे हैं। तो आज ऑपरेशन कंफर्म हो चुका है गाइज। और अभी मम्मी को लेने के लिए लोग आ गए हैं यहाँ पे ड्रेस वगैरह लेकर के। तो मम्मी का सलाइन अभी उतारा जा रहा है और उनको मतलब टॉयलेट वॉयलेट कुछ भी लगा हो तो जाकर आने को बोला गया है। अभी वो शायद ऑपरेशन करने वाले हैं। न डराइकिन जानु, डराउने जरुरतै छैन। जानु न डराइ किन, डराउनु जरुरत छैन। अब आउँछ आके। तो मम्मी को ऑपरेशन थिएटर में गया हुआ अभी डेढ़ घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ है और हम बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं। और भैया लोग भी यहीं पे हैं वेट कर रहे हैं, पापा जी भी यहीं पे वेट कर रहे हैं गाइस। तो अभी दो ढाई घंटा जैसा हो चुका है दोस्तों। और मैं अभी रूम की तरफ जा रही हूँ क्योंकि रूम भी बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था तो मैं थोड़ा उसको साफ़ भी कर लूँगी और आप लोगों को भी थोड़ा रूम दिखा दूँगी कैसा है क्या नहीं है। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो ये है गाइस हमारा केबिन जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, मम्मी पापा और मैं यहाँ पे रह रहे हैं। भैया लोग अभी जाएंगे, ऑपरेशन अगर ख़त्म हो जाएगा तो वो लोग जाएंगे अच्छे से, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो। और ये रहा बाथरूम वेसिन, बाथरूम भी अच्छा ही है गाइस। फैसिलिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है। जो भी वो लोग गेस्चर कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, नर्स वगैरह नन वगैरह सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। और इसी बाथरूम पे अटैच टॉयलेट भी।
और ये है गाइस बाहर का कॉरिडोर, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो अभी मैं रूम को थोड़ा साफ कर लेती हूँ। तो पापा जी भी बाहर बैठे बैठे वेट कर रहे थे, मैंने सारा रूम वगैरह साफ करके फिर से आ गई और पापा जी को कहा कि चलिए खाना खा लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं खाना है और मुझे भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो हम लोग सभी अभी वेट कर रहे हैं। वहाँ बैठे बैठे बहुत बेचैनी सा हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा बाहर गार्डन एरिया की तरफ घूमने आ गई हूँ और गार्डन एरिया बहुत ही अच्छा है गाइस यहाँ का। और यहाँ पर इन लोगों को ऑपरेशन करने के लिए पैसा की कमी हो गई थी, तो उनके जो रिलेटिव्स वगैरह थे सब पैसे लेके आए हुए हैं, यहाँ पर हिसाब किया जा रहा है। तो फाइनली गाइस वेट करते करते ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये तो पत्थर ना, ये तो बोल रहा था। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया बोल के बताया गया है, लेकिन पता नहीं क्यों गाइस निकाला भी नहीं गया है और मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, तो हम बस टेंशन में यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं। इसका कराना है ना मैडम, इसका कराना है बायोप्सी, ये तो लेके जा सकता है। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है ना, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ से थोड़ी लेब मत हॉस्पिटल संगे टच होने मैंने। तो फाइनली गाइस मम्मी को शायद निकाला जा रहा है, लेकिन दरवाजा तो बंद कर रहे हैं, पता नहीं। तो मम्मी को ले जाके उस रूम में डाल दिया गया, लेकिन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है गाइस। तो लगभग गाइस 10:30 के आसपास में हम लोग सो चुके थे, तभी हमको बुला के मम्मी से मिलने दिया गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बताया गया था कि अभी केबिन में शिफ्ट नहीं किया जाएगा, हॉल नाइट रखा जाएगा, लेकिन
11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास मम्मी को फिर से केबिन में शिफ्ट किया गया और डॉक्टर अभी उनका थोड़ा चेकअप कर रहे हैं और उनको थोड़ा सेट करके, मतलब वो लोग देख रहे हैं कि कहीं कुछ और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम थोड़ा बाहर आ गए थे, मतलब हमको थोड़ा बाहर में जाने के लिए बोला गया और वो लोग वहाँ पे मतलब मम्मी का थोड़ा प्रेशर वगैरह सब कुछ चेक कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बाहर से ही जितना हो सके। तो फाइनली मम्मी से मिलने का मौका मिल गया। मम्मी देख रही है अपना पत्थर कितना बड़ा था, क्या था, वो देख रही है। तो मम्मी बोल रही थी कि वहाँ पे अकेले अकेले रहने में उनको बहुत डर लग रहा था, तो अभी यहाँ पे हम सब के साथ में आके वो बहुत खुश हो चुकी है, खुश हो रही है मतलब। तब तो बाय गाइस, ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इतना देर क्यों लगा ऑपरेशन को और क्यों इतना टाइम लगा वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग पे। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे ब्लॉग को देखते रहिएगा।